अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल क्लास 9th यू नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, हमने तजसी के तरीके से क्या फाइंड करना है, जजरुल मुरब्बा। पार्ट नंबर 1, 4x स्क्वायर माइनस 12xy और प्लस का 9y स्क्वायर। अब हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या करेंगे, तजजी। फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। सबसे पहले 4x स्क्वायर, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बन रहा है 2x होल का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म 2x, सेकंड टर्म अभी डियर स्टूडेंट्स अब पेंडिंग लिखे, आगे प्लस का साइन, 9y स्क्वायर जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किसका होल स्क्वायर बनेगा, 3y होल का स्क्वायर। अब इधर भी डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 3y। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आया 12, साथ में हमारे पास क्या आ रहा है x और y। इसका मतलब हमारा ये जो स्टेप है वो बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, फार्मूला बिकॉज, किस फार्मूले के तहत हमने इसको लिखा था, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल आएगा हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वेयर। अब हमारे पास चेंज हो जाएगा किसमें, एक ही जगह पर हम क्या लिखेंगे 2x, एक ही जगह पर 2x, आगे माइनस बी की जगह पर हम डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे 3y, क्या बन जाएगा होल का स्क्वेयर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसकी तजजी यानी कि फैक्टराइजेशन तो कर ली, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट जजरुल मुरब्बा। अब हम लिखेंगे नीचे क्या बना हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल, किसके इक्वल आया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर। अब नीचे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तरफैन का जजरुल मुरब्बा लेने से क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस का 9y स्क्वायर इज इक्वल 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर, और इसका हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक साइड पर हम क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गया, कैंसल। ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो गया, स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस का 9y स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस 2x माइनस 3y, ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो गया आंसर। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पार्ट नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर। अब सेम एज इट इज मेथड से डियर स्टूडेंट्स, हम इसका पहले फैक्टराइजेशन यानी कि तजी करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व।
अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस साइन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, और फॉर्मूले वाला टू लगाएंगे जिस तरीके से ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा। माइनस टू फॉर्मूले वाला फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, एक्स, सेकेंड टर्म पेंडिंग, प्लस अब वन ओवर ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, टू एक्स होल का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स वन का स्क्वायर वन ही होता है हमारे पास, इसलिए हमने वन ओवर टू एक्स, टू एक्स फोर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अगर टू एक्स का स्क्वायर लेंगे हमारे पास कितना आएगा, फोर एक्स स्क्वायर। अब हम इधर भी जो पेंडिंग टर्म्स थी वो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, वन ओवर टू एक्स। अब डियर स्टूडेंट तो जो अब ये टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर से हमारे पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा, माइनस का वन। आइडेंटिटी हमारे पास बिकॉज ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल ए माइनस बी होल का स्क्वेयर। अब हमारे पास इसको हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल ए की जगह पर x माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, वन ओवर टू एक्स होल का स्क्वेयर। अब हम डियर स्टूडेंट्स हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन ओवर फोर एक्स स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x माइनस वन ओवर टू एक्स होल का स्क्वेयर। अब हम बोथ साइड इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, त्रिफैन का जजरो मुरब्बा लेने से एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन ओवर फोर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल प्लस माइनस लगाएंगे x माइनस वन ओवर टू एक्स होल का स्क्वेयर, और इसका क्या लिखेंगे, स्क्वेयर रूट। ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट हमारे पास क्या हो गया, कैंसल। आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन ओवर फोर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल प्लस माइनस x माइनस वन ओवर टू एक्स। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर थ्री जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर थ्री हमारे पास क्या है, वन ओवर सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर ट्वेल्व एक्स वाई प्लस वन ओवर थर्टी सिक्स वाई स्क्वेयर। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हम इसकी तजजी जो है फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं सॉल्व। क्या बनेगा हमारे पास, वन ओवर सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर है। अब हम इसका पहले फार्मूला बनाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर कैसे बन जाएगा, वन ओवर फोर एक्स होल का स्क्वेयर। देखिए डियर स्टूडेंट्स वन का स्क्वेयर वन, फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन और एक्स स्क्वेयर। आगे साइन हमारे पास कौन सा है, माइनस का। टू फार्मूले वाला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, वन ओवर फोर एक्स, सेकेंड टर्म डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पेंडिंग, प्लस अब वन ओवर सिक्स थर्टी सिक्स वाई स्क्वेयर, ये किसका होल स्क्वेयर बनेगा, वन ओवर सिक्स वाई होल का स्क्वेयर। अब ये जो पेंडिंग थी हमारे पास इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, वन ओवर सिक्स वाई। अब नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास यही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल ए माइनस बी होल का स्क्वेयर। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट आप फार्मूला लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। ए की जगह पर क्या लिखेंगे, वन ओवर फोर एक्स माइनस बी की जगह पर लिखेंगे वन ओवर सिक्स वाई, क्या बन जाएगा, होल का स्क्वेयर।
नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, 1/16 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/12 एक्स वाई, नेक्स्ट प्लस 1/36 वाई स्क्वेयर इज इक्वल, हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/4 एक्स माइनस 1/6 वाई होल का स्क्वेयर। अब हम डियर स्टूडेंट इसका बोथ साइड्स क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से। अब हमारे पास क्या बन गया, 1/16 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/12 एक्स वाई प्लस 1/36 वाई स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट इसका बोथ साइड लेंगे इज इक्वल, प्लस माइनस लगाएंगे, 1/4 एक्स माइनस 1/6 वाई होल का स्क्वेयर, और इसका भी हम क्या लेंगे, स्क्वेयर रूट। अब ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/16 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/12 एक्स वाई प्लस 1/36 वाई स्क्वेयर इज इक्वल प्लस माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/6 वाई। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फाइंड हो गई है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशंस के मेथड से स्क्वेयर रूट हमने इसका क्या कर लिया है, फाइंड। आई होप डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।